गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि पूरे मंडल में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं और पूरे मंडल को कोरोना मुक्त रखना है तो इसके लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम करना होगा तथा जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं वह भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पूरे मंडल में कोरोना मुक्त रखने के लिए लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही काम करना होगा, जिससे कि मंडल को कोरोना मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, चारों जनपदों में अभी आज की तारीख में कोई भी पॉजिटिव हमारा पेशेंट कोरोना का नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए और ज़्यादा बड़ी चुनौती लाता है कि हम इसको ऐसे ही रखें और कोरोना मुक्त पूरी कमिश्नरी की पॉपुलेशन को रखें, और उसके लिए सभी प्रयासरत हैं और हम जो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी प्रयास किए जाने वो हम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम कोरोना मुक्त रहेंगे। सर, सरकारी कार्यालय भी खुले हैं, 33% कर्मचारी भी आ रहे हैं, तो क्या इनकी थर्मल स्कैनिंग या तरह की जाँच कराई जाएगी? देखिए, जो थर्मल स्कैनिंग या इंफ्रारेड थर्मामीटर से जो चेकअप होता है वो तो होना ही है और चिकित्सकों की टीम घूम के उसको करा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क से फेस को कवर करना है या गमछा से कवर करना है और साबुन से हाथ धोते रहना है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बार स्क्रीनिंग हो जाने से नहीं होता है और उसको करते रहें, और HODs को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी को भी कोई लक्षण ऐसा दिखे तो तुरंत वो CMOs को बताएं। तो आशा करते हैं कि इससे हम धीरे धीरे सरकारी कार्य को भी आरंभ कर सकेंगे और कोरोना मुक्त भी रहेंगे। सर, क्या कहेंगे उन लोगों से जो छूट के नाम पे सड़क पे घूम रहे हैं, समझ रहे हैं पूरा वो खुद के लिए गलत कर रहे हैं और देश के लिए गलत कर रहे हैं, प्रदेश के लिए गलत कर रहे हैं, और इसलिए निर्देशित किया गया है कि उनके अगेंस्ट बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए।